हेलो फोक्स एंड वेलकम टू द चैनल। ऑन दिस वेरी सनी डे मैं आपके लेके आया हूँ होंडा अमेज का रिव्यू। यस, सब फॉर्मेटर सेडान सेगमेंट में काफी पॉपुलर थी अमेज, पर अपनी कुछ कमियों की वजह से धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी कम होती चली गई। बट होंडा इज नाउ बैक इन द गेम विद दिस ऑल न्यू होंडा अमेज। हाँ, मैंने माना कि अब तक आपने अमेज की कई सारे वीडियोस रिव्यूज देख लिए होंगे, पर ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं अमेज को वेरिएंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएंट वाइज का मतलब कि हम बात करेंगे कि अमेज कितने वेरिएंट्स में ऑफर करेगी, कौन सी वेरिएंट में आपको क्या फीचर मिलेगा और कौन सी वेरिएंट में आपको कौन सा फीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई तो टॉप एंड वेरिएंट नहीं लेने वाला। इसी के साथ साथ हमने पूरी वीडियोस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें पहले सेक्शन में बात करेंगे गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में, गाड़ी की लुक्स के बारे में। सेकेंड सेक्शन होगा हमारा गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्पेस, कम्फर्ट, इकोनॉमिक्स और कौन कौन से फीचर को ऑफर किए जाते हैं। थर्ड सेक्शन होगा हमारा गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें बात करेंगे गाड़ी के इंजन के बारे में, राइड के बारे में, उसकी हैंडलिंग के बारे में। फोर्थ और हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सेफ्टी फीचर्स की, गाड़ी क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है। और इसके लास्ट में हम जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा उसमें पूरी वीडियो कंक्लूड करेंगे और ये देखेंगे कि नई अमेज कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेटेस्ट कार न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजंस लेकर आता रहता हूं। इसी के साथ साथ कार और बाइक से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो भी लेके आता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल, ताकि हर नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो विद द डिज़ाइन ऑफ द कार। द न्यू होंडा अमेज इज बेस्ड ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म विच मेक्स इट मच मोर टॉलर, लॉन्गर एंड वाइडर। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है वो आया है व्हील बेस के अंदर, जिसको 65 mm से बढ़ा दिया गया है पुरानी कार के कंपैरिजन में, विच ओपन अप्स इवन मोर स्पेस ऑन द इनसाइड। नाउ कमिंग बैक टू द डिज़ाइन, ऑन द अप फ्रंट आपको मिलते हैं थिक क्रोम स्ट्रिप्स, जो कि अब होंडा का सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट भी है। हेडलैम्प सेटअप आपको सिटी की याद कराता है और जो इसका स्लप्टेड बोनट है वो उसको सागने से बहुत ही अग्रेसिव और मस्कुलर स्टांस देता है। कमिंग बैक टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन यूज़ की गई है जो कि कार को एक बोल्ड करेक्टर देता है। कार के लोअर वेरिएंट्स यानी ई और एस में आपको 14 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे, वहीं वी और वी एक्स यानी टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। नाउ एट द रियर सी शेप टेल लैंप्स जो है, जो कि WRX इंस्पायर्ड है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं और कुछ कुछ आपको सिविक की भी याद दिलाती हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं। इसी के साथ साथ बोट को भी बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे गाड़ी काफ़ी वेल प्रोपोर्शनल लगती है। अगर पूरे डिज़ाइन को कुछ शब्दों में समराइज करें तो द न्यू होंडा अमेज इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर एंड स्पोर्टी टू लुक एट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट सेक्शन, पुरानी अमेज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके डल इंटीरियर्स, पर नई अमेज के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं टू मेक इट मोर प्लश एंड अप मार्केट। तो आखिर क्या चेंज हुआ है इंटीरियर्स के अंदर, लेट्स फाइंड आउट। The loud thud of the door indicates where the good build quality of the car. The first and biggest change in the car is the seats. They are now much more comfortable, plusher. There is good amount of leg room, head room and good amount of thigh support as well. The next big change is the dashboard. Use of black and beige materials, piano black finishes here and there makes it more modern. And finally, ab Amaze ke andar aapko touch screen bhi mil gaya hai. Iske sath sath aapko yahan par OVRM diya gaya hai, जो कि ऑटो एडजस्ट नहीं है सैडली, और सन वाइजर्स जो है ड्राइवर साइड पे, उस पर आपको मिरर नहीं मिलेगा। वहीं आपको पैसेंजर साइड वाले वाइजर के ऊपर आपको मिरर दे दिया गया है। यहाँ पर आपको सेंटर में एक लाइट दी गई है। इसी के साथ गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मल्टी फंक्शनल है, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन्स मिल जाएंगे और वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्लूटूथ और वॉल्यूम ऑडियो से कंट्रोल आपको गाड़ी का हॉर्न, टिपिकल हॉर्न जो है इसका। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है उसको आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, रीच के हिसाब से नहीं, यानी टेलीस्कोपिक ये नहीं है। अनदर चेंज हियर इज द न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको दो डायल्स मिलती हैं, जिसमें एक है स्पीडोमीटर, दूसरा है टैकोमीटर। बीच में आपको MID दिया जो आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, सर्विस नोटिफिकेशन साथ और भी के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वन मोर वेलकम फीचर इज द एडिशन ऑफ पुश स्टार्ट ऑफ बटन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट वेलकम फीचर एंड बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द केबिन, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यस, होंडा अमेज के अंदर अब आपको मिलता है डिजीपैड 2.0, जिसके अंदर आपको एप्पल का प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मैसेजिंग, वॉइस कमांड और टर्न बटन, नेविगेशन के साथ साथ और भी कई सारे फीचर्स देते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिला है, जिसका छोटा सा डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हेयर इट इज़, तो क्लैरिटी तो काफ़ी अच्छी है और डायनामिक गाइडलाइंस भी इसमें है, पर वो अडेप्टिव नहीं है, पर क्योंकि इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं इसे पार्किंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। वहीं पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसका कंप्रेसर साइज को भी इंक्रीज कर देगा, बिकॉज ऑफ विच इट कूल्स आउट द केबिन इन नो टाइम।
ऑन द प्रैक्टिकलिटी ग्राउंड आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, एक यूएसबी, एक ऑक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। इसके साथ सर कई सारे छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस आपको मिल जाएंगे जैसा कि यहाँ पर, और इसके साथ हैंड ब्रेक के पीछे भी आपको दिया गया है। जो पावर विंडो से रिलेटेड स्विचेस हैं वो आपको डोर पे मिलेंगे, और इसके साथ जो OVRMs है उसके स्विचेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर डोर के ऊपर 1 लीटर डोर पैकेट आपको मिल जाएगा। जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज भी डिसेंट है, उसके अंदर आपको फोल्डेड जो है ट्रे भी दी गई है। तो ये थी पूरी करेंगे गाड़ी के फ्रंट के बारे में। नाउ लेट्स चेक आउट फॉर द स्पेस एंड कंफर्ट इन रियर सीट्स। एज सून वी एंटर द केबिन, जो फर्स्ट चीज नोटिस में होती है कि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छा शोल्डर रूम है गाड़ी में और 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। अंडर थाइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं 5'7" का हूँ पर मेरा जो हेड है वो रूफ को टच नहीं कर रहा है। अगर बात करें गाड़ी के लेगरूम के बारे में तो ये सीट मैंने पूरी आगे कर रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा लेगरूम मुझे मिल रहा है। वहीं ये सीट जो है मैंने काफ़ी पूरी पीछे कर रखी है, तो ये जो है लेगरूम आप देख सकते हैं इसके अंदर। जो फ्लोरबोर्ड है कार का वो भी काफ़ी हद तक फ्लैट है, बहुत छोटा सा हम्प उसके अंदर दिया गया है। इसी तरह आपको चारों डोर्स के ऊपर जो है ग्रैब रेल्स दिए गए हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको आइसोफिक्स के चाइल्ड माउंट्स मिल जाएंगे, और सेंटर में आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इन सारी खूबियों के बीच एक जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है वो है इसका फिक्स हेडरेस्ट। इसके अंदर जो फिक्स हेडरेस्ट है उसमें आप अपना हेड जो है वो आराम से रेस्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक केबिन काफ़ी एरी है, इसको अपने बड़े हुए व्हील बेस की वजह से इस स्पेस में काफ़ी हेल्प मिली है। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द बूट ऑफ कार। वन गुड थिंग हेयर इज दैट बूट ओपनिंग इज़ वेरी वाइड। इसका बूट वॉल्यूम जो है वो 420 लीटर्स का है, विच इज़ सेगमेंट बेस्ट। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है जो कि 14 इंच स्टील का है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। नाउ विद ऑल दिस, हाउ इज द कार परफॉर्म? टू आंसर दिस क्वेश्चन वील मूव टू आर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द परफॉर्मेंस वन। The new Amaze come with the 2 engine options, 1.2 liter IVTEC petrol and 1.5 liter IDTEC diesel motor, both of which are slightly tuned for better refinement and efficiency. The petrol motor produces 90 PS of power and 110 Nm of torque at 4800 RPM, whereas the diesel motor produces 100 horsepower and a peak torque of 200 Nm at 1750 RPM. Both the engines come with the manual and CVT transmission option. The petrol CVT comes with a paddle shifter, and the diesel CVT is the segment first. But how they perform out on the road? So let's take them for the spin. Because of the new chassis and suspension setup, ride of the new Amaze is very comfortable and inclined. In spite of the stiffer rear suspension, it irons out most of the obstacles. The engine is nice and punchy and power buildup is very linear. वहीं जो डीजल सेविटी है उसकी पावर को 20% डिक्रीज किया गया है, वहीं टॉर्क भी अब 160 Nm ही है ताकि ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको मिल सके, पर चलाने तक वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है। जो टर्निंग रेडियस है गाड़ी का वो भी काफ़ी कम है, विच इज़ फॉर पेट्रोल इज़ 4.7 meters एंड फॉर डीजल 4.9 meters। Now let's move towards our fourth and most important section of the video, that is safety features. New Honda Amaze come with the dual airbags ABS and EBD as standard, which is a very good point. Other safety features include ISOFIX child mounts, rear parking camera and sensors. अगर आप लोगों को भी सेफ्टी फीचर्स के ऊपर कोई वीडियो देखनी हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है टॉप 5 सेफ्टी फीचर्स की, जिसको आप ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। Now as we have covered all the points, it's time for the conclusion. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई Amaze 4 वेरियंट्स में आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस ई, देन एस, वी एंड टॉप एंड VX, जो कि CVT वेरिएंट है दोनों ही डीजल और पेट्रोल में, वो टॉप एंड वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, वो एस और वी वेरिएंट में मिलता है। इसका मतलब कि कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे CVT वेरिएंट में, जैसे पुश स्टार्ट सब बटन, टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे फीचर्स। तो अब अगर बात करें गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो जो बेस पेट्रोल है वो स्टार्ट होता है 5,60,000 से, विच गोज ऑल द वे अप टू 8 लाख फॉर टॉप एंड पेट्रोल। वहीं बेस डीजल स्टार्ट होता है 6,60,000 से एंड गोज ऑल द वे अप टू 9 लाख। अब अगर बात करेंगे कि आपको कोई डीजल ऑटोमेटिक चाहिए इस सेगमेंट में, तो डीजल Amaze विद CVT इज द बेस्ट ऑप्शन इन द सेगमेंट। वहीं जो पेट्रोल CVT है जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, इज़ वेरी फन टू ड्राइव कार। एंड फॉर द पीपल जिनको सारे फीचर्स चाहिए और फन टू ड्राइव कार चाहिए, टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल विच इज़ प्राइस एट 8 lakh rupees इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो आप लोगों को Amaze का कौन सा वेरिएंट पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द Amaze, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो फ्रॉम नाउ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शो सम लव बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू लाइक अवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। ऑन दिस नोट आई विल टेक लीव फ्रॉम हियर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप योर स्पीड्स हाई, ड्राइव सेफ, जय हिंद।